तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड दोस्तों, यदि आपको पता नहीं कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या होता है एक वीडियो का, तो उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर एवरेज व्यू ड्यूरेशन को बढ़ाते कैसे हैं, और कैसे आपका वीडियो रैंक करेगा, कैसे आपका वीडियो सर्च में आएगा, कैसे आपके वीडियोज को यूट्यूब दूसरों के पास सजेस्ट करेगा, ताकि दोस्तों आपके वीडियोज ज़्यादा से ज़्यादा रैंक कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल पर व्यूज आ सके, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ाना कैसे? देखिए दोस्तों, जब आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा होगा, आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो दोस्तों ऑटोमेटिक ही आपकी वीडियो रैंक करेंगे, ऑटोमेटिक ही आपका वीडियो सजेस्ट में जाएगा, यूट्यूब आपके वीडियोज को दूसरों को सजेस्ट करेगा देखने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज़ है, आपके वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा होना चाहिए। अब दोस्तों, आपको आपके वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन कैसे बढ़ाना है, कैसे इंक्रीज करना है, क्या इम्प्रूव करना है अपने वीडियो में, जब आप वीडियो को शूट करते हैं, जब आप अपने वीडियो को एडिट करते हैं, तो आखिर क्या चीज़ आपको देखनी है, ये सब कुछ करते समय, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके वीडियो को रैंक करने में, आपके वीडियो को सजेस्ट करने में सबसे पहली चीज़ होती है थंबनेल। यदि दोस्तों आपके वीडियो का थंबनेल अच्छा है, अट्रैक्टिव है, मतलब कि आपके वीडियो के थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि देखने में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, और क्लियरिटी के साथ साथ आपके वीडियो के थंबनेल के अंदर ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए जिससे कि दोस्तों व्यूवर्स जो होते हैं, जो आपके वीडियो को देखते हैं, जिसके पास यूट्यूब आपके वीडियो को सजेस्ट में भेजता है, तो वो आपके वीडियो को देखे, यानी कि उस बंदे की आपके वीडियो के थंबनेल पर नज़र पड़े और वो तुरंत से आपकी वीडियो को क्लिक करे और वीडियो को देखने लग जाए। जब आपके वीडियो का थंबनेल अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है, तो आपके वीडियो का इंप्रेशन ज़्यादा जाता है, और जब आपके वीडियो का इंप्रेशन ज़्यादा जाता है, तो इंप्रेशन ज़्यादा जाने से दोस्तों व्यूज भी ज़्यादा ही आते हैं। अब दोस्तों, दूसरी चीज़ ये होती है कि दोस्तों, जब आप वीडियो को शूट करते हैं, तो आप एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं। यदि आप कैमरे के सामने डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं, तो आपको अपने वीडियो के अंदर सिर्फ उतनी चीज़ बोलनी जितनी की आवश्यक है वीडियो के अंदर। आपको वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लंबा नहीं करना है फालतू बोल करके, बस आपके वीडियो की एडिटिंग और वीडियो के अंदर की सफाई, वीडियो की क्वालिटी, और वीडियो के अंदर जो कुछ आप बोल रहे हैं, तो हर चीज़ मतलब से बोलें। यदि आपका वीडियो का थंबनेल अच्छा है और आपकी वीडियो का क्वालिटी अच्छी है, आपकी वीडियो का कंटेंट अच्छा है, तो आपके वीडियो का एवरेज अच्छा रहेगा। 50% चीज़ें ऐसी होती हैं वीडियो के अंदर जो कि आपके व्यूवर्स को पता होती हैं, लेकिन आपको अपने व्यूवर्स को एंगेज करना है, अपने वीडियो में कुछ इस तरह से बोलना है, इस तरह से अपने वीडियो को बनाना है, सब कुछ इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आपका वीडियो 80% देखे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपका वीडियो 6 मिनट का है, तो कम से कम 4 मिनट देखे ही देखे। और जब आपकी वीडियो का एवरेज ड्यूरेशन अच्छा हुआ, तो ऑटोमेटिक ही यूट्यूब आपकी वीडियोज को सजेस्ट करेगा, आपका वीडियो सर्च में भी आएगा सबसे फर्स्ट नंबर में, ठीक है ना। और इस तरह से दोस्तों आपका वीडियो रैंक करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।